पीएम मोदी का आया फोन और कहा कि मेरा तुम पर अधिकार है और मैं कुछ नहीं सुनूंगा। यह घटना हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की है, जहां से मोदी के दूत के नाम से कृपाल परमार आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार चुनाव चिन्ह मिलने के दो दिन बाद पीएम मोदी का फोन कृपाल परमार को आया। कृपाल परमार पार्टी हाईकमान से आ रहे फोन नहीं उठा रहे थे, जिसके बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भाजपा नेता ओपी चौधरी के फोन पर पीएम मोदी की बात कृपाल परमार से करवाई, जिसकी एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पीएम मोदी कृपाल परमार को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वह चुनाव प्रचार करना बंद कर दे और घर बैठ जाए, आगे की जिम्मेदारी मेरी है। वहीं कृपाल परमार ने कहा कि ये मेरे लिए भगवान का आदेश है, लेकिन अब समय बीत गया है। वहीं मोदी को कृपाल परमार ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 15 साल मुझे बहुत प्रताड़ित किया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मुझे सब पता है, आपको जो कहा वही करें। वहीं अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद से भाजपा के कार्यकर्ता असमंजस में हैं कि वे भाजपा प्रत्याशी को वोट दें या पीएम मोदी के दूत को। आपको बता दें कि प्रदेश में कई भाजपा नेता बागी हुए हैं, लेकिन सिर्फ कृपाल परमार ही ऐसे नेता हैं जिन्हें सीधा पीएम मोदी फोन कर रहे हैं, जिसके बड़े मायने सियासी जानकर निकाल रहे हैं। हाँ। जी जी नमस्कार जी जी हाँ नमस्कार जी नमस्ते नमस्ते जी। मैं कब बोलूँगा जी, कब कौन सुनेगा जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूँ। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। एंस्टर न्यूज के लिए फतेहपुर कांगड़ा से विजय समयाल की रिपोर्ट।